वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर ऑन कैपेसिटेंस वंस अगेन। अब तक जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। एक दो चीज़ें उसमें अंदर शायद कुछ रह भी गई हो, जैसे हम यदि बात करें वो किस चीज़ पे डिपेंड करे। हालांकि लिख हमने दिया था, लेकिन शायद बताया नहीं वो कि भाई वो उसके साइज, जो कंडक्टर है उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा, शेप पे भी डिपेंड करेगा। और यदि दो कंडक्टर की हम बात करें तो उनके बीच में कितनी सेपरेशन है वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा यूनिट तो हमने बता दी थी, मैंने कल आपको बताया था कि ऐसा कोई भी कंडक्टर है नहीं हमारे पास जिसकी यूनिट पूरी 1 फैराड के इक्वल हो। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं भाई, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, या इसको मैंने बताया था माइक्रो माइक्रो फैराड, 10^-6, 10^-9, 10^-12 फैराड के इक्वल ये यूनिट होती है। ठीक है, ये चीज़ें थी। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम एक तो अर्थ का जो कितना कैपेसिटेंस है अर्थ की, वो फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा हम एक स्फेरिकल जनरल, यदि आपको कोई रेडियस दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ भी निकलवाए, आप जिसकी रेडियस आपको पता होगी उसके लिए आप कैपेसिटी या कैपेसिटेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आज हम ड्राइव करेंगे। तो हमने कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया भाई, आज कुछ ठीक भी बना है डायग्राम ना, इसके ऊपर हमने कोई भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण आपको पता है सारा चार्ज कहाँ पे लाई करेगा, सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। और जो इसकी रेडियस है वो हमने आर कंसीडर कर ली। तो यदि यहाँ पे मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो किसके इक्वल होता है भाई, q/4π। ये हमारा पोटेंशियल होगा इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमें पता है, कल हमने फाइंड आउट किया था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q इज इक्वल टू q/v। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इफ इफ q इज चार्ज एंड वी इज पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये वैल्यू क्यू, ये तो जो फॉर्मूले वाला है वो आया हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू। बेटा यदि हम यहां पे रखते हैं तो क्यू नीचे और 4π ये ऊपर, Q से Q दोनों, मीन्स कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या आया भाई, ये वैल्यू आई, ठीक है। ये आप यदि आपको कोई भी वैल्यू हमें दे दे, वैल्यू किसकी भाई, रेडियस की वैल्यू आपको पता हो या R की वैल्यू पता हो, तो उसके लिए हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। अब मैं इसके अंदर यदि बात करूँ किसके बारे में भाई, हमें यदि कैपेसिटी निकालनी हो अर्थ की, कैपेसिटी ऑफ अर्थ की मैं बात करूं तो उसके लिए क्या होगा, वी नो फॉर अर्थ आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू या फिर 64 × 10^5 meter, ठीक है। जिसको यदि किलोमीटर में किसी ने पढ़ा हो तो ये वैल्यू होती, लेकिन फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है तो ऐसा यूनिट लेके चलेंगे उसकी मीटर में। तो सी की यदि हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे भाई, तो अब हमें
अब तक जो हम वैल्यू, एक चीज का ध्यान रखना भाई, यहाँ पे जो मैं वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/9 इंटू 10^9 पुट कर रहा हूँ, इंटू में आर की वैल्यू तो आपको पता ही है 64 इंटू 10^5। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू तो हमने 1/4 में कैसे आ गई, क्योंकि जो हम वैल्यू पढ़ते हैं ना भाई 1/4 पाई की पढ़ते, ये वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10^9। तो यहाँ पे उल्टा कर रखा है, सीधे डायरेक्ट 4π ε0 की वैल्यू हम पढ़ रहे हैं, तो वैल्यू किसकी इक्वल होगी भाई, 1/9 × 10^9 के इक्वल होगी, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब वैल्यू हमारे पास आती है भाई, जो कल आपको बताई गई थी, ये वैल्यू हमारे पास कैपेसिटी की भाई, किसके लिए, अर्थ के केस में। अर्थ के केस में हमारे पास कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो ये होती है, आपको याद रखना, अर्थ जब कंडक्टर का काम कर रहा है उसके लिए ही वैल्यू आप ये मान के चलो कि इतनी है, तो बाकी के लिए तो कहाँ होने वाली। अब ये तो था आज का हमारा टॉपिक, इसके साथ में यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, जिसका बारे में हम डिस्कस है वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, क्वेश्चन ये है कि यदि मैं किसी कोई कंडक्टर हमने मान रखा है, उसको मैं चार्ज देता जाऊँ तो क्या वो चार्ज कंटेन करता रहेगा, क्या उसका पोटेंशियल कहीं पे जाके रुकेगा, या फिर ऐसा है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।